देशभरात अमृत महोत्सवाची अमृतधारा स्वातंत्र्यदिनी देशातील इकोपॅचे दर्शन सप्टेंबर महिना हा पोषण विषयक मोहिमेला समर्पित असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलंय जनजागृतीमुळे मुलांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी झालंय कुपोषण निर्मूलनाच्या प्रयत्नात सहभागी व्हा असं आवाहन सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलंय आजादी से जुड़ी बात न हो बच्चों ने युवा साथियों ने तो अमृत महोत्सव पर खूब सुंदर सुंदर चित्र और कलाकारी भी बनाकर भेजी है आजादी के इस महीने में हमारे पूरे देश में हर शहर हर गांव में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं एक चेतना की अनुभूति हुई है इतना बड़ा देश इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने के आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां, एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है यानी एक मां, दूसरी मां की मित्र बन उसकी मदद करती है उसे सीख देती है इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में नब्बे प्रतिशत से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है आप कल्पना कर सकते हैं क्या कुपोषण दूर करने में गीत संगीत और भजन का भी इस्तेमाल हो सकता है